पूरे देश से एक आवाज है, पूरे देश में एक ही नारा है और वह नारा है फिर एक बार मोदी सरकार की। भाइयों बहनों, ये मोदी सरकार आम जन की आवाज अचानक नहीं बनी है। मोदी जी ने अपने 5 वर्ष के शासन काल में उस प्रकार की योजनाओं को लाने में भी सफलता प्राप्त की है और सीतापुर तो इसका गवाह है। अकेले सीतापुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना 70,000 से अधिक लोगों को प्राप्त हुआ है। 3 लाख 3.5 लाख के आसपास गरीबों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ है। 1.5 लाख से अधिक गरीबों को अकेले सीतापुर में विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन प्राप्त हुए हैं और उज्ज्वला योजना में भी रसोई गैस के कनेक्शन। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर किसानों के कर्ज माफी का, हर एक मामले में यहाँ के लोगों को मोदी सरकार की हर योजना का लाभ किसी न किसी रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद ने, यहाँ के लोकप्रिय विधायकों ने आपको दिलाने का कार्य किया। और ये केवल सीतापुर ही नहीं, सीतापुर में ज्यादा मिला है क्योंकि यहाँ के सांसद और विधायक ज्यादा सक्रिय रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर 1.5 करोड़ गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना में, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को एक एक रसोई गैस का कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था और 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की व्यवस्था। भाइयों बहनों, पहली बार मोदी सरकार के कारण देश के अंदर देश के गरीबों के बैंक में खाते खुले और मोदी सरकार के कारण गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, क्योंकि अब मोदी सरकार अगर 6 रुपया किसी किसान का भेजती है वह पैसा 6 का 6,000 रुपये उसके खाते में जाता है। बीच की दलाली समाप्त, 37 करोड़ ऐसे गरीबों के एक एक खाते खोलने का कार्य मोदी सरकार के द्वारा किया गया। और भाइयों बहनों, देश के अंदर पहली बार 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद पहला कदम उठाया था किसानों के कर्ज माफी का। हमारी सरकार ने दूसरा कदम उठाया था बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके। हमारी सरकार ने तीसरा कदम उठाया था एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर। राजनीतिक संरक्षण में जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों को कब्जा कर दिया था उनसे जमीनों को कब्जा से मुक्त करने की कार्रवाई। और हमारी सरकार ने चौथा कदम उठाया था देश के प्रदेश के अंदर हर एक गरीब को शासन की योजना को मजबूती के साथ दिलाने का। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीब के बारे में सोचती है, किसान के बारे में सोचती है, नौजवान के बारे में सोचती है, नैमिषारण्य के बारे में सोचती है, अयोध्या के बारे में सोचती है, मथुरा के बारे में सोचती है, प्रयागराज के विकास के बारे में सोचती है। लेकिन भाइयों बहनों, जब सपा बसपा की सरकार आती है उनके द्वारा पहला कदम क्या उठाया जाता है? आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का।
आज महाराष्ट्र के अंदर एक दुखद घटना घटित होती है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में नक्सलवादियों ने बारूदी सुरंग बिछा करके हमारे जवानों को आज फिर शहीद किया है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है और भारत के बहादुर जवानों के साथ भारत की 130 करोड़ जनता खड़ी है। आतंकवाद और नक्सलवाद पर कहर बनकर के कोई सरकार टूट सकती है? केवल मोदी सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद का जवाब दे सकती है। और मैं कह सकता हूं हमारे जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर 15 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो बदले में 100 नक्सली और 100 आतंकवादी ढेर होंगे, इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं। भारत की धरती त्यागी और बलिदानियों की धरती है, लेकिन जो लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, नक्सलवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको जवाब देने का सही वक्त आ चुका है। जब चुनाव में अपना वोट का प्रयोग करके हम ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, एक तरफ खारिज कर सकते हैं। और यही अपील करने के लिए आज मैं सीतापुर में आया हूं। भाइयों बहनों, आपको मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार 2 वर्ष पहले आई, पिछले 2 सालों में आपको बिजली मिली है ना? बिजली मिल रही है? बिजली से संतुष्ट हैं? पहले सपा बसपा की सरकार में बिजली मिलती थी, वे बिजली देते कैसे? अगर आपको बिजली देते तो फिर आपके प्राकृतिक संसाधनों पर वे लोग रात के अंधेरे में ही तो टकैती डालते थे। बिजली देते कैसे? वे तो अंधेरे में रहने के आदि थे। इसलिए भाइयों बहनों, बिजली हमने दी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से अच्छी हुई है। हमने अपराधियों के लिए 2 ही रास्ते दिए हैं। हमने कहा अपराधियों के लिए जगह या तो जेल होगी या फिर राम नाम सत्य है, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है। और यही कारण है आज अपराधी सरकार का नाम सुनकर के भागता है। आतंकवादी और नक्सलवादी मोदी जी की सरकार का नाम सुनकर के थर्रा करके कांपता है। और मोदी जी भाषण कर रहे होते हैं उत्तर प्रदेश में, गर्मी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, और पसीना छूटता है इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। क्यों? किसे मालूम है कि अगर कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो न जाने अब मोदी सरकार में कब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों को कैंप को ध्वस्त करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दे, और इसीलिए उसे पसीना छूटता है। भाइयों बहनों, हमें एक स्वाभिमानी सरकार चाहिए, भारत का गौरव बढ़ाने वाली सरकार चाहिए, भारत की 130 करोड़ लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने वाली सरकार चाहिए। और पूरे देश के अंदर तो गूंज उठी है कि एक बार फिर मोदी सरकार के लिए। पूरे देश के अंदर 400 से अधिक सीट भाजपा को मिल रही है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा सीतापुर वासियों से, अगर रामपुर की जनता तय कर चुकी है कि भाजपा को जिताना है तो सीतापुर भी तो उसके साथ ही जुड़ेगा। आप सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी को पड़ने वाला एक एक वोट सीधे मोदी जी के खाते में जाएगा। और यही अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, श्री राजेश वर्मा योग्यतम सांसद है, संगठन के कुशल खिलाड़ी हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के
अंत्योदय के अभियान को लेकर के गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, महिलाओं तक शासन की योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ उतारने का कार्य कर रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, आप सब मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है ना, तो मेरे बाद आप सब बोलेंगे जहां तक मेरी आवाज जा रही है वे सभी लोग इतनी जोर से बोलना कि आपकी आवाज मोदी जी की कानों तक जा सके। दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, जो लोग सड़क पर खड़े हैं वे लोग भी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।